हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 24 जून का करेंट अफेयर्स है, इस पर हम एमसीक्यू डिस्कस करें। आज कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले, पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आज कोई डे नहीं है, इम्पॉर्टेंट डे नहीं है। कुछ डे लेकिन वो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए नहीं था, इसलिए इम्पॉर्टेंट डे हमने नहीं डिस्कस किया। दो मैप हमें डिस्कस करने हैं, एक एशियान कंट्री, आसियान कंट्री, उसके अलावे आसियान कंट्री के पास जो रिवर, जो ओशन है ना, जो सी है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद ब्रिक्स पे एक क्वेश्चन है क्योंकि अभी 14 समिट हुआ है, न्यू डेवलपमेंट के बारे, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसमें नए कंट्री ऐड हुए उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावे थीम इस बार का डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावे माइक्रो फाइनेंस लोन से रिलेटेड है, हमारे यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना वो बदले गए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहली बार बालिका पंचायत हुआ किसी स्टेट में, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। 20वां फोक फेयर इनागोरेट किया गया, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक बुक है अष्टांग योगा, उसको डिस्कस करेंगे। डिजिटल नोमाड वीजा, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। G7 का समिट कौन देश होस्ट कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वुमेन्स हॉकी टीम जो कॉमनवेल्थ में गई है उनकी कैप्टन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कुबसुल लेक नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले हम मैप डिस्कस करते हैं। एशियान कंट्री में टोटल 10 देश है, ठीक है, टोटल 10 कंट्री है। कौन कौन है, एक है भारत से शुरू करते, भारत के राइट से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। एक चीज याद रख सकते हो, ये वाला जो थाईलैंड बे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ पे थाईलैंड का मुंह पड़ता है कंबोडिया का, मतलब ये बॉर्डर शेयर करता है, और वियतनाम का। लाओस एक लैंड लॉक कंट्री, ये याद रखिएगा, लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। म्यांमार यहां तक आया, यहाँ थाईलैंड का छोटा सा बॉर्डर है यहाँ पे, ये सब थाईलैंड है। ये वाला कौन सा देश है, ये मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया के टॉप पे आपको मिलेगा सिंगापुर, ठीक है। मलेशिया यहीं पे खत्म नहीं होता, मलेशिया का पार्ट ये भी है और ये भी है, ये पूरा मलेशिया है, थोड़ा छोटा सा है ब्रुनेई। ये वाला पार्ट कौन है, ये है इंडोनेशिया का बोर्नियो वाला आइलैंड। तो इंडोनेशिया की तीन आइलैंड है, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, ठीक है ना। जो अभी जो कैपिटल है वो जावा में है, जिसका नाम है जकार्ता, लेकिन बाद में कैपिटल चेंज होने वाला है। अब ये इसके आसपास एक जगह है, उसका नाम कैपिटल बनेगा। सुमात्रा आपको पता है ग्रेट निकोबार के काफी करीब है, ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है इसके काफी करीब है सुमात्रा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, ठीक है। ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये सारा, ये है फिलीपींस। तो कौन कौन हमने देश दिखा, म्यांमार एक, थाईलैंड दो, लाओस तीन, वियतनाम चार, उसके बाद मलेशिया पांच, सिंगापुर छ, इंडोनेशिया सात, ब्रुनेई आठ, फिलीपींस नौ, और एक, देखिए 10 कंट्री है, एक मलेशिया हो गया, एक बार थोड़ा ठीक से गिनिए, एक मलेशिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, पांच तो यही हो, एक दो तीन चार पांच, थोड़ा ध्यान रखिए कौन किससे सटा हुआ है। फिर मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, सात आठ नौ दस, ब्रुनेई, ठीक है। एक और मैप यहाँ पे, कौन कौन सा यहाँ पे सी है, इसको हम बोलते हैं जावा सी, यहाँ ध्यान रखिए जावा सी, जावा के टॉप पे यहाँ पे आपको जकार्ता मिलेगा जो अभी कैपिटल है, ठीक है। और उसके अलावा ये इंडोनेशिया का सारा पार्ट है। यहाँ है साउथ चाइना सी, ठीक है, ये है अंडमान सी, अंडमान सिंह, अंडमान और निकोबार के राइट को अंडमान सी बोलते हैं, लेफ्ट को बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, नीचे होगा वो इंडियन ओशन होगा, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड में किस किस का मुंह टच होता है वो देखिएगा, किस किस का बॉर्डर। और उसके अलावे यहाँ पे है बांडा सी, ठीक है ना, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ये हमें पता है। यहाँ पे पलाऊ एक देश है, अराफुरा सी, यहाँ पे न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अराफुरा सी है। यहाँ तैमूर सी है, ठीक है, तैमूर सी, और ईस्ट तैमूर के नीचे तैमूर सी, ईस्ट तैमूर एक अलग देश है, जो वेस्ट तैमूर का पार्ट है ना, वेस्ट तैमूर ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। ये फिलीपींस से, फिलीपींस के नॉर्थ ईस्ट में। चलिए अब पहला क्वेश्चन है, व्हिच नेशन इज होस्टिंग द 14th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट। देखो इस बार का ऐसा नहीं आप बोलना कि फिजिकल सेशन हुआ है, ये भी डिजिटल वर्चुअल सेशन हुआ है। तो
इसके होस्ट कर रहे थे कौन? चाइना। इसको होस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द 14th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय चाइना इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 23rd और 24th जून, मतलब आज भी होने वाला है, ठीक है। और इस समिट का थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोस्टरिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप इंट्रोड्यूसिंग इन ए न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, थीम भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, आपको पता है ब्रिक्स बैंक ही है इसको, ये देखो ब्रिक्स तो बना था 2001 में, इसका सबसे पहले वो रखा गया था 2009 में, पहली मीटिंग हुआ, बाद में मिला 2010 में कौन? साउथ अफ्रीका। जो सबसे बाद में कंट्री ऐड हुआ है ब्रिक्स में वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेकिन जो ब्रिक्स का बैंक है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको एक नाम देते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। ये इसका फाउंडेशन कब रखा गया? 2014 में, उस साल मीटिंग हो रहा था ब्राजील में, याद रखिएगा। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में। और एक चीज, इसमें जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में ना और देश ऐड किए गए हैं, तो क्या इन सबका पावर इक्वल हो जाएगा भारत वगैरह के, या ब्राजील, चाइना, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका? नहीं नहीं, इनका इनको ज्वाइन भले ही किया गया है, और इसको ऐसा मत समझना कि ब्रिक्स देश का एक्सपेंशन हुआ है, बस बैंक का एक्सपेंशन हुआ है, और बैंक्स में कुछ और देश आ गए जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन? कौन सा स्टेट अभी टॉप किया इसमें? इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया, बट सेकेंड नंबर किसका है? बिहार का, ये याद रखिए। सेकेंड नंबर है बिहार का, थर्ड किसका है? वेस्ट बंगाल का, ये याद रखिए। पहला है तमिलनाडु, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, टॉप किया है तमिलनाडु। लेकिन हमें बीपीएससी वालों के लिए याद रखना कि सेकेंड नंबर पर आया है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनाइटेड नेशन के, हमें पता है। तो अभी तक, दो दिन पहले तक, ट्यूजडे से पहले पहले जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे देश के, वो थे कौन? टीएस त्रिमूर्ति साहब। अब किनको बनाया गया? रुचिरा कंबोज जी को बनाया गया है। यहाँ पे है डिप्लोमेट रुचिरा कंबोज जी। ये अभी क्या थी, अभी सबसे पहले समझे 1987 बैच की आईएफएस ऑफिसर थी, और ये रुचिरा जी अभी भूटान के एम्बेसडर थी, याद रखिएगा। ये किनको सक्सीड की? टीएस त्रिमूर्ति साहब को। उसके बाद कंट्री का पहला बालिका पंचायत हुआ है, ये किस 5 विलेज में स्टार्ट हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये गुजरात में। 20वां फोक फेयर इनागोरेट किया गया, 20वां फोक फेयर मतलब मेला होता है, ठीक है ना, ट्राइबल लोगों के जो इम्पोर्टेंट चीज होते जो बनाए जाते हैं उनके द्वारा, तो ये उड़ीसा में हुआ है। यहाँ पे देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति बिशेश्वर टूडू जी, इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में। ये 30वां कृषि है फेयर है। एक किताब है, किताब का नाम है अष्टांग योगा, ये लॉन्च किया गया था 21 जून को, योगा डे के दिन पे। इनको रिलीज किन्होंने किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने, और इसको, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है सोनू फोगाट। एक कंट्री ने लॉन्च किया है डिजिटल नोमैड विजय, ताकि वहाँ लोग आसानी से घूम सके, ठीक है ना, वीजा ऑन अराइवल आराम से मिल जाएगा, 5 साल के लिए ऐसे वीजा मिलेंगे, ये लॉन्च किया है इंडोनेशिया ने। किस कौन सी कंट्री G7 समिट को होस्ट करेगा इस बारे? G7 के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल मिलती है। इसमें 7 कंट्री जो है वो कौन कौन है? UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और USA। पहले कौन था? रसिया भी था, पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया 2014 में जो क्रीमिया पे कब्जा किया ना, उसके बाद इसको हटा दिया गया, ठीक है। सारे G7 के कंट्री आपको पता हो, G20 का पार्ट है, इंडिया भी G20 का पार्ट है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है,
और इसमें जो समिट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, तो ये बात याद रखिए। कब बना? 1975 में। इस बार का सेशन होने वाला है जर्मनी में, कोई इसका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक चेहरा आप लोग को पता हो, पहचानते होंगे तो आप आराम से बता देंगे। मैं इसीलिए चेहरा लाया क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हु विल लीड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? ये है हमारी गोलकीपर सविता जी, ठीक है। एक चीज और बताना है, वुमेन्स क्रिकेट टीम भी गई है कॉमनवेल्थ के लिए, आपको बताना है उनकी कैप्टन कैप्टन कौन सा है, कौन सी है, है। एक चीज आपको पता है, पेमेंट विजन 2025 से सिर्फ इसके बारे में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 20 या 21 के करंट अफेयर्स में आएगा। ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का? नहीं, ये आरबीआई का इनिशिएटिव है, ठीक है। क्या इसका मेन फोकस है कि क्रेडिट कार्ड के यूजर को बढ़ाया जाए, यूजर्स के बढ़ाया जाए? नहीं, इसका मेन फोकस है कि जो भी पेमेंट के इंटरमीडिएट होते हैं ना, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंदन किया जाए, चाहे डिजिटल वाला इससे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और इससे रेगुलेट और प्रमोट किया जाएगा डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ 3 करेक्ट है। देखो, 3 स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, देखो 1 स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चांस, जब बिल्कुल फैक्चुअल वाला क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं गलत होने के, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से इसमें गलत है, ये सही है, तो ओनली 3 मतलब सी करेक्ट है। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है खुबसू लेक नेशनल पार्क, इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को, जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है ना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसके तहत अभी तक भारत के कितने, 12 को ऐड किया गया है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको जिसमें से 12 को डेजिग्नेशन मिल चुका है इसके तहत, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। 12 में सबसे लेटेस्ट कौन है? पन्ना, ठीक है ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में। इसी तरह उसने इस साल के मीटिंग में खूबसूरत लेक नेशनल पार्क को डिजिग्नेट किया है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। आपको बताना है लेक है कहाँ पे, ये लेक है मंगोलिया में। एक चीज और, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अलावा यूनेस्को और भी निकालती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करता है, ये भी याद रखिए, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करता है, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप शेयर जरूर करते रहना, आपको कोई भी डाउट हो प्लीज 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 इस पे मैसेज करना। थैंक यू सो मच।